हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोस। किसी भी फिल्म का म्यूजिक उसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है और इसलिए मेकर्स उसे बड़े ही ध्यान से क्रिएट करते हैं। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में इसके म्यूजिक को हिट कराने का जिम्मा संजय लीला भंसाली ने खुद ही उठा लिया है, खुद ही इसको म्यूजिक दे रहे हैं। ये बात तो हर कोई अच्छे से जानता है, संजय लीला भंसाली फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक दी है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला और गुजारिश जैसी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दी है। डायरेक्टर भंसाली ने फिल्म गुजारिश से अपने म्यूजिक डायरेक्टर का करियर शुरू किया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन मेन लीड रोल में थे। 100 ग्राम जिंदगी को संजय लीला भंसाली ने ही म्यूजिक दिया और इस गाने को गाया था कुणाल ने। उनका एक और गाना है जिसे उन्होंने म्यूजिक दिया है, वो है उड़ी तेरी आंखों से। वैसे ये गाने तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, ना ही ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, पर इसके बाद जितने भी गाने संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया है उन गानों ने कमाल दिखाया है। संजय लीला भंसाली अपने ही फिल्म रामलीला में मानो सारे गानों में जान भर दी हो और इस फिल्म का गाना लहू मुंह लग गया को उन्होंने गरबा बीट दिया था जो लोगों को बेहद पसंद आया था। इस गाने के लिरिसिस्ट थे सिद्धार्थ और गरिमा। इस फिल्म के बाकी गाने भी जैसे लाल इश्क, अंग लगा दे रे को भी संजय लीला भंसाली ने ही कंपोज किया है। इसके बाद डायरेक्टर भंसाली ने म्यूजिक दिया था इनकी एक और फिल्म को, बाजीराव मस्तानी को। इस फिल्म के भी सारे गाने हिट हुए थे, पर सबसे ऊपर था मल्हारी। इस म्यूजिक का जो एनर्जी लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था, लोगों को डांस करने को मजबूर कर देता था। यहाँ तक कि लोग आज भी जब भी ये गाना सुनते हैं इस गाने पर डांस करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं इसके अपोजिट फिल्म के गाने दीवानी मस्तानी को भंसाली सर ने बहुत ही पीसफुल म्यूजिक दिया था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था। अब बात रही गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो अब तक इस फिल्म के गाने को लेकर कुछ बताया नहीं गया है, पर जो इस फिल्म का स्पेशल सॉन्ग रहेगा हो सकता है उसे भंसाली एक स्पेशल म्यूजिक के साथ लोगों के सामने पेश करें। बैकग्राउंड म्यूजिक को पीसफुल रखेंगे जैसा कि उन्होंने अपनी पिछले फिल्मों में भी किया है। और बात रही इस फिल्म के म्यूजिक की, तो हमें ये तो पता है कि भंसाली सर इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं, तो म्यूजिक में कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। तो आप भी हमें बताएं भंसाली सर का म्यूजिक आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में।